वेलकम टू ट्रू स्टोरी। मैं तुम्हें जाना चाहती हूँ कि सीन में जैसे कि आप देख रहे हैं हल्दी का माहौल चल रहा है, सभी लोग काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं, तो आपसे जाना चाहते हैं कितना मेहनत लगा आज तैयार होने में। वेल, आज हमारे यहाँ पर गाय होल्ड कर रहे हैं, जो बंगालीज में करते हैं, हल्दी की रस्म होती है जो लड़की के लिए करते हैं। हालांकि हमारे घर से अचानक जा रही है एंड वी आर बंगालीज, तो हम बंगाली रिचुअल फॉलो करेंगे। और हम सब ने कलर कोऑर्डिनेट किया है, ऑरेंज एंड येलो, एंड एवरीबडी इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। और साथ में हम लोग ने गेंदे का फ्लावर भी लगाया है, फूल लगाया है। तो मुझे लगता है ये एंटायर लुक इज़ सो डिफरेंट। हालांकि मैंने ऐसा लुक अभी तक टीवी पर नहीं देखा है। बहुत ही ऑथेंटिक है, बहुत ही डिफरेंट है, और हम सब पर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सो वी आर सो हैप्पी कि एक नए शो, मतलब एक शो में जहाँ पे हमें रिचुअल्स के बारे में नहीं पता, बंगाली रिचुअल्स के बारे में एक एक नई नई चीज़ें हमेशा अब हमें पता चल रही है। सो वी आर लविंग इट। एंड डांस भी चल रहा है, तो क्या आप भी नज़र आ सकते हैं ठुमके वुमके लगाते हुए? वेल, मैं खुश तो बहुत हूँ इस लड़की की शादी जो हो रही है, बट मैं इतनी ज़्यादा वो नहीं हूँ कि मैं नाचना शुरू कर दूँ। तनुजा बीन तनुजा वो नाचती नहीं है। ओके, सो आने वाले एपिसोड में काफ़ी कुछ नया कुछ आ सकता है। ऑफकोर्स, आप सभी लोगों ने तो प्रोमो देखा ही है, आपको तो पता ही है शादी में क्या होने वाला है। पर इवेंचुअली कैसे हम वहाँ तक पहुँचते हैं, उसके पहले क्या क्या होता है, वो एक एक चीज़ जो अनफोल्ड हो रही है वो अब पता चलेगी। कि मतलब शादी के दिन आज जैसे हल्दी अनिरुद्ध पर गिर जाती है, तो कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन भी है कि यू नो इसकी हल्दी उसको लग गई है। तो ये बहुत छोटी छोटी मोमेंट्स हैं जो मुझे लगता है बहुत ब्यूटीफुली लिखे जा रहे हैं। एंड जब तक शादी होगी जनक की, पता नहीं तब तक क्या होगा और तेजस आता है क्या करता है, क्योंकि ऑडियंस हमेशा वेट कर रही है। तीखे बाण आप चलाते हैं जब भी हर एपिसोड्स में। हाँ, ये तो पता है, वो एक होता है ना बिल्डअप बिल्डअप बिल्डअप, फिर वो होता है धड़ाका जो एकदम से बम फटता है। तो फिलहाल तो बस हम बिल्डअप ही कर रहे हैं, हम बहुत शांति से, मैं तो चाहती हूँ बहुत शांति से प्यार से सारी रस्में ख़त्म हो। मैं बोलती भी हूँ एक सीन में कि आज और कल का दिन बीत जाए, फिर हमें तुमसे छुटकारा मिलेगा, भाई तुम जाओ और हम गंगा नहाएं। तो कोई ज़्यादा मस्ती मजाक और बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस धीरे से इस लड़की को रवाना करना है। ओके, सो ये तो रही सीन की बात, अभी कल नवरात्रि भी है, तो दर्शकों के लिए क्या कुछ शुभकामनाएं देना चाहती हैं? आप सभी को हैप्पी नवरात्रि, हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रि की। मैं पर्सनली ये वाली नवरात्रि नहीं जो बाद में आती है अक्टूबर वाली, वो नवरात्रि फॉलो करती हूँ। बट नवरात्रि में लोग बहुत ज़्यादा फास्टिंग करते हैं, एंड मेक श्योर कि आप प्लीज़ अपना ख्याल रखें बहुत। हाँ, मैं कई लोगों को देखती हूँ बिना चप्पल के भी घूमते हैं, तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है ये सब करना। बट प्लीज़ आप लोग अच्छा खाइए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।